फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक इट एंड कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है जेम्स। जेम्स का मीन्स क्या होता है? जेम्स का मीन्स होता है रत्न। बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम जो वीडियो है, आज हमारा रत्नों से ही संबंधित है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको रत्नों की जानकारी नहीं देने वाली हूँ, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनने वाली हूँ, बल्कि रत्नों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे कभी आप ज्योतिष के पास गए होंगे तो उसने आपको बोला होगा टोपास पहनो, सफायर पहनो या कैट्साय पहनो, पर्ल पहनो, डायमंड पहनो, तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको हिंदी, मराठी, आपकी जो मदर लैंग्वेज है उसमें क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, मैं केवल आपको उनके नेम इंग्लिश में बताने वाली हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको इंग्लिश आती है, स्पीकिंग आती है, आप कहीं पर जाते हैं तो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बोलने पड़ते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो जेम्स के नेम भी आ जाते हैं, तो आप सोचते हैं इनको क्या बोलेंगे, है ना। इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आर के नारायण की एक लाइन याद आती है जो उन्होंने मालगुडी डेज में लिखी थी, जो बहुत ही फेमस नोवेल था, यदि आपने उसको पढ़ा होगा। इट्स इंडिया अ हैवी इनहेरिटेड बर्डन। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है हम भारत में रहते हैं और हमारे ऊपर बहुत सारा बर्डन है। इसका मीन्स यही होता है, आपको ये लाइन सुनकर ऐसा ही लग रहा होगा। फ्रेंड्स, इसका मीन्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। बर्डन का मीन्स होता है हमारे ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हम ना केवल अपने इस जगत की रेस्पॉन्सिबिलिटी को पे करते हैं, बल्कि हम ये बोलते हैं ना, सुपर नेचुरल जो वर्ड है, जो हमने कभी देखा नहीं है, केवल हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद में ऐसा होगा, ऐसा होगा, हम उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हम एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, तो विश्वास के कारण हमें डिफरेंट टाइप के रत्न पहनने की ज्योतिष सलाह देते हैं। तो ये जो वीडियो है उसी रत्नों से संबंधित है, और आज मैं सबके नाम आपको इंग्लिश में बताने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे। करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे लिखा है जेम, इसका मींस होता है रत्न। रत्न कहाँ पहनते हैं हम लोग? ऑब्वियसली हम अपने फिंगर्स में पहनते हैं रत्न। तो आज सबसे पहले पे मैंने लिखा है पर्ल। पर्ल को बोलते हैं मोती। पर्ल को क्या बोलते हैं? मोती। स्पेलिंग है PERL। व्हाइट कलर का होता है मोती, है तो आपको मालूम होगा। नेक्स्ट आते हैं हम डायमंड। डायमंड का मींस होता है हीरा। तो डायमंड क्या है? डायमंड भी एक बहुत कॉस्टली जेम है, जिसका यूज हम अक्सर फिंगर्स में या उसके गले की सेट बनाने के लिए हम करते हैं। तो हीरे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डायमंड। नेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं लहसुनिया, ये भी एक जेम होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैट्स आई। इसका नेम देखकर आपको लग रहा होगा कैट्स आई का मींस क्या, लेकिन इसका मींस होता है लहसुनिया। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है रूबी। रूबी को बोलते हैं मानिक या मनी। रूबी को क्या बोलते हैं? मानिक या मनी, RUBY। नेक्स्ट आप देखिए टोपाज। टोपाज को बोलते हैं पुखरा, जो बहुत ही जाना पहचाना नेम है पुखरा, जिसको बोलते हैं टोपाज, TOPAZ। नेक्स्ट देखिए आप मेडल। मेडल को तमगा भी बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको मेडल ही करके प्रोनाउंसिएट किया जाता है, MEDAL। ये भी एक जेम है, जो बहुत ही कम, रेयरली इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए कोरल। कोरल को बोलते हैं मूंगा। कोरल को बोलते हैं मूंगा, ये भी बहुत ही कॉस्टली होता है कोरल जेम। नेक्स्ट देखिए एमरल्ड। एमरल्ड को बोलते हैं पन्ना, जो पन्ना तो आप सभी लोग जानते होंगे, ग्रीन कलर का होता है, EMERALD, एमरल्ड, इसका मींस होता है पन्ना। नेक्स्ट देखिए आप मदर ऑफ पर्ल। अभी तक आपने देखा था यहां पर आपने पर्ल, और यहां पर देखिए मदर ऑफ पर्ल, तो मोती की सीप। तो यहां पर तो ये मोती है डायरेक्टली आपके हाथ में आ जाता है, लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा कि एक कवच में रखा हुआ रहता है, एक पैकिंग में आता है, तो उसको बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल। नेक्स्ट आप देखिए ओपल। ओपल का मींस होता है दूधिया पत्थर। ये पत्थर नहीं होता है, ये जेम होता है, लेकिन बहुत ही कॉस्टली होता है, जिसका यूज हम पूरी रिंग बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखिए सफायर, इसका मींस होता है नीलम, SAPPHIRE, इसको बोलते हैं नीलम। नेक्स्ट देखिए टर्कोइज, इसको बोलते हैं फिरोजा। स्पेलिंग बहुत टिपिकल है, फिर भी आप देखिए TURQUOISE, इसको बोलते हैं फिरोजा। नेक्स्ट देखिए क्वार्ट्ज।
क्वार्ट्स को बोलते हैं बिल्लोर, इट मींस QURTZ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जेम्स के नेम थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना क्या है, एक दो बार आप रीड करेंगे, इसको बोलने की कोशिश कीजिए, आपकी प्रैक्टिस होने के बाद में ये सभी बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और फ्रेंड्स, ये तो केवल एक वीडियो है, हमारे पास में ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। हमने आपके लिए स्पीकिंग का सिलेबस एक सेपरेट डिजाइन किया है, ग्रामर का सिलेबस भी है हमारे पास में। ये दोनों सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको केवल आज ही हमारे ऐप को इंस्टॉल करना होगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन आप हमारे दोनों ये कोर्सेस को देख सकते हैं, दोनों ही सेपरेट कोर्स हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा। और इंस्टॉलेशन के बाद में आप इन दोनों के फ्री डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड, जरूर कमेंट कीजिए। एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच।